विश्लेषण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तरल अनुपात, तरलता अनुपात जिसे लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसमें इसके दो प्रकार हैं। पहला है चालू अनुपात, चालू अनुपात। इसे करंट रेशियो कहते हैं। अब करंट रेशियो के बारे में एक ट्रिक है कि चंदू आया चाय लाया। अब यहां सीए का मतलब है करंट असेट्स, सीए बराबर करंट असेट्स। करंट असेट्स में करंट लाइबिलिटीज का भाग लगाते हैं तो हमारा चालू अनुपात आता है। आज से यदि परिभाषा पूछी जाती है तो आप ये बताओगे कि करंट असेट्स को हिंदी में कहते हैं चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों में जब चालू दायित्वों का भाग लगाया जाता है तो जो अनुपात प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, चालू अनुपात। परिभाषा भी लिख सकते हो, ये सूत्र है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब कभी कभी पूछा जाता है कि आदर्श चालू अनुपात क्या होता है। आदर्श चालू अनुपात यह दो अनुपात एक को आदर्श माना जाता है, दो अनुपात एक को आदर्श माना जाता है। परीक्षा में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो आप लिखोगे दो अनुपात एक। और आपसे सूत्र पूछा जाता है तो करंट असेट्स बटे हुआ करंट लाइबिलिटीज बराबर क्या कहलाता है, करंट रेशियो। अब हमारा जो दूसरा इसका प्रकार है वह है तरल अनुपात, तरल अनुपात। इसे लिक्विड रेशियो कहते हैं। अब इसका सूत्र है कि हमने पहले चाय मंगाई थी, चंदू आया था और चाय लाया था, लेकिन वो चाय क्या है कि गिर गई, तो हम हमारे दूसरे जो बेटे हैं उसको आवाज लगाएंगे, लक्की आना तो और चाय लाना तो, क्योंकि लक्की आएगा, लक्की आया चाय लाया। यहां एल ए का मतलब है लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स बटेवा करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी कि जब तरल संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग लगाया जाता है, इनको हिंदी में कहेंगे तरल संपत्तियां बटेवा चालू दायित्व। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाती है, परीक्षा में पूछा जाता है कि तरल अनुपात किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे तरल संपत्तियों का चालू दायित्वों से संबंध तरल अनुपात कहलाता है। आदर्श के लिए पूछे कि आदर्श तरल अनुपात क्या है, तो आपको एक अनुपात एक लिखना है, एक अनुपात एक। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि चालू संपत्तियों का तो पता होगा लेकिन ये लिक्विड असेट्स कैसे ज्ञात करेंगे। लिक्विड असेट्स का मतलब होता है तरल संपत्तियां,
यदि हम हमारे पास सीए दिया हुआ होगा करंट असेट्स, उस करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को घटाना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि हम इन दोनों को घटा लेंगे, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो लिक्विड असेट्स आ जाएगी, और लिक्विड असेट्स को सूत्र में क्या रखेंगे तो हमारा ये तरल अनुपात ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अनुपातों के वर्गीकरण में पहला तरलता अनुपात पूरा होता है। इसके सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक